हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक हमेशा पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा सेटिंग और कुछ जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों मैं बिहार से हूं और मतलब कि ऐसा रोज कमेंट आ जाते हैं दो चार कि भाई कुछ भोजपुरी सॉन्ग पे जो है जियो टोन बनाओ, मुझे ये सॉन्ग चाहिए, मुझे वो सॉन्ग चाहिए। तो दोस्तों आज के बाद आपको ये मुझे कमेंट करके कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से कोई भी जियो टोन लगा सकते हो भोजपुरी सॉन्ग का। तो कैसे सेट करना है, कैसे किया जाता है, मैं सारा इस प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज यार नीचे में आ रहा है सब्सक्राइब बटन, आप जाओ वहां से सब्सक्राइब करो और बगल में आएगा बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस करके ऑल कर देना। तो चलिए गाइज फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ आप इसे शेयर कर देते हो तो काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और जान लेते हैं कैसे सेट किया जाता है। लोग देख सकते हो गाइज कि मैंने अपना जो है फोन को ओपन कर दिया है और यहाँ से मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, आपको जो है अपना मैसेज ऐप को ओपन करना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना मैसेज ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो मैसेज ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अगर आप में चैट का ऑप्शन आता है, फिर आई मैसेज का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा जहाँ से दोस्तों कि हम मैसेज किसी नंबर पे सेंड कर सके, उस पेज पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने उस पेज को ओपन कर दिया है और यहाँ पे टू पे एक नंबर डायल करना है, वो नंबर है गाइज 56789। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने नए नए जियो टोन को बनाया है, तो आप जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हो। मैंने भोजपुरी हिंदी सभी को बनाकर रखा है, तो आप जाकर मेरे पीछे के वीडियो देख सकते हो या फिर आप वीडियो बॉक्स में भी जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। मैं हमेशा इस चैनल पे दोस्तों जियो टोन से ही बनाता हूँ, तो आप अगर जियो टोन के लवर हो, भोजपुरी हो या फिर हिंदी, तो दोस्तों प्लीज उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना। तो चलिए गाइस इसको करने के बाद सिंपली हमें करना क्या है, इस साइन के रूप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करने के बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बिहार से हूँ। तो कुछ दिन पहले अभी एक फिल्म से आया था जो कि दोस्तों था दबंग सरकार। तो दबंग सरकार के जैसे हमें सॉन्ग को लगाना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्बम लिखना है। एल्बम को लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको दबंग सरकार, आप देख सकते हो दोस्तों आपको कैसे लिखना है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे एल्बम दबंग सरकार लिखकर सिंपली हमें जो है अपने जियो नंबर से इसको सेंड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जियो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इस मैसेज को सेंड कर देते हैं 56789, मतलब कि 5 6 7 8 9 नंबर पे। और सेंड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ गलत यहाँ पे टाइप कर दिया है गाइज, वहाँ पे मैंने गलत सेंड कर दिया था, तो फिर से हमें सेंड करना होगा। तो चलिए क्या सेंड करना है, सही स्पेलिंग इसका क्या है, मैंने मतलब पहले चेक किया इसका सही स्पेलिंग क्या डालने पर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वही है दोस्तों, वहीं लिख कर हमें सिंपली सेंड करना है। लास्ट में सिर्फ हमें एक जी को मतलब डबल जी कर देना है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम लिख लेते हैं। तो सॉरी गाइज एल्बम यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं और एल्बम लिखने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे दबंग सरकार लिखना है। तो दबंग सरकार कैसे लिखना है गाइज, नहीं तो आप में भी वो प्रॉब्लम आ सकता है इनेबल का, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों स्पेलिंग को। तो चलिए यहाँ पे हम दबंग लिख लेते हैं, दबंग। तो दबंग तो दोस्तों ऐसा लिखाता है, बट गाइज उसमें जो है एक जी को बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे हम डबल जी कर दिए हैं। दबंग यहाँ पे हम सरकार लिख लेते हैं, सरकार सेम टू सेम वही रहेगा दोस्तों, सरकार सेम टू सेम वही मीनिंग रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे दबंग में आपको एक जी को बढ़ा लेना है और यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे एक जी को बढ़ाने के बाद गाइज आप देख सकते हो कि जो है रिसीव्ड हो गया है उनको, और रिसीव्ड होने के बाद वहाँ से हमें रिप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। इस बार दोस्तों इनेबल नहीं आएगा, मुझे पूरा पता है। तो चलिए गाइस यहाँ से जो है नहीं आता यार, एक बार में तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाया है, एक बार में आ जाता है, बट आज क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो हमें सबको मतलब दोबारा से यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ रहा है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है अभी जियो के साथ। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम दोबारा से सेंड कर दिए तो, और सेंड करने के बाद अब हमें लगता है कि रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों का रिजल्ट एक ही बार में दे दिया उधर से, बहुत बेकार है जियो यार, ऐसा ऐसा हरकत कभी कभी करने लगता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे जैसे कि हमें लगाना है 8 नंबर पे पागल बने वे का, तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है कि 8 को हमें सिंपली सेलेक्ट करना है, 8 नंबर को हमें लिखना है 8 नंबर पे, जैसे कि आप देख सकते हो 8 नंबर पे है पागल बने वे का। तो यहाँ पे सिंपली हमें 8 लिख कर इस पर रिप्लाई करना है। यहाँ पे जब हम सेंड किए 8 लिखकर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव सेलेक्टेड पागल बनेबे का। तो यहाँ पे जो है हमें अब क्या करना है, इसको कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म कैसे किया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 1 लिखकर यहाँ पे आपको रिप्लाई करना है। तो 1 लिखकर आप अगर आप रिप्लाई कर देते हो तो आपके नंबर पे जो है ये मैसेज सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सेट करने से पहले आपको क्या करना है कि 5189303040 नंबर को डायल करना है, नहीं तो
दोस्तों आप में वो ऑटोमेटिकली भी आ सकता है, तो मेरे में ऑटोमेटिक आ गया ये नंबर। तो यहाँ पे जो है हमें लिखना है वाई बड़े अक्षर में, तो चलिए यहाँ पे हम बड़े अक्षर में वाई लिख लेते हैं। और वाई लिखने के बाद गाइस इसको हमें सेंड करना है, तो प्रोसेस काफ़ी आसान है दोस्तों। सिर्फ आपको वीडियो में लग रहा होगा तो इतना मतलब इधर उधर है, लेकिन दोस्तों जब आप खुद से करोगे तो आपको काफ़ी आसान प्रोसेस लगेगा। जियो सावन से भी आसान ये प्रोसेस है। और उसके बाद वाई सेंड करने के बाद आपको जो है SMS देखने को मिल जाएगा, एज पर योर जियो टोन हैज बी चेंजेज। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि डियर कस्टमर, एज पर योर जियो टोन का जो है SMS आ गया और चला भी गया, तो मेरे जो है मोबाइल में ये सिंपली सेंड हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ सॉन्ग को करके। तो जैसे कि आपको विश्वास नहीं हुआ दोस्तों, तो सिंपली हम उस नंबर को डायल करते हैं 56789, और यहाँ पे दोस्तों हम टाइप करते हैं जो नया सॉन्ग नया आया है, तो यहाँ पे है एल्बम, हम फिर से लिख देते हैं, सॉरी दोस्तों एल्बम हम फिर से लिख देते हैं। और यहाँ पे जो है हमें लिखना है शेर सिंह, तो चलिए यहाँ पे हम शेर और यहाँ पे सिंह, तो इसको ट्राई कर देते हैं दोस्तों कि इसका जो है सॉन्ग अभी जियो साउंड पे आया है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने सेंड कर दिया, और सेंड करने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइज अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है उधर से, तो देखते हैं वेट करते हैं कब तक ये आ जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर से हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके फिर से हमें इसे पेस्ट करके सेंड कर देना है। तो यहाँ से जो है इसे सेंड कर दिए हैं हम, और सेंड करने के बाद अभी तक उनको रिसीव्ड नहीं हुआ है। और रिसीव होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि दो सॉन्ग जो है यहाँ पे आ गया है, तो बाबू बाबू वाला है और एक है मतलब मैं सुना नहीं सकता यार, एक है महोदय जी। तो आप देख सकते हो कि ये भी सॉन्ग आ चुका है। और गाइस इस प्रकार से आप उसी प्रकार से फिर से आप इसे रिप्लाई दे सकते हैं वन लिखकर टू करके। तो जिस नंबर पे आपको लगाना है उस पर सिंपली से बाबू बाबू वाला सॉन्ग को लगाना है तो वन लिखकर आप लोग को रिप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आपको टू नंबर पे लगाना है महोदय जी वाला को तो टू लिखकर रिप्लाई करके उसको एक दबाकर सेंड करके उसे कन्फर्म करना है। और फिर 5189300400 आपको SMS जो देखने को मिलेगा उस पर आपको वाई लिखकर सिंपली रिप्लाई दे देना है। तो तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर देना। और दोस्तों कुछ अगर आपके काम आया इस वीडियो में से तो दोस्तों प्लीज एक कमेंट कर देना कि आपको इसमें से क्या मतलब अच्छा लगा और क्या काम आया। तो चलेगा इस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।